आज मैंने बनाया है ब्रेड मलाई। इस रेसिपी को देखने के लिए आपको रहना पड़ेगा इस वीडियो के एंड तक, इसलिए आप भी कुछ सीखकर जाइए हमारे साथ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एंड यस, आज मैं फिर से बनाने जा रहा हूँ ब्रेड मलाई। इसी ब्रेड मलाई तो मैंने भी आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। जो बचा हुआ ब्रेड था मेरे साथ, मैंने सोचा इसके साथ भी मैं मीठा सा एक तो डेजर्ट बनाऊंगा, इसलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसका कुकिंग। सो शुरू करते हैं अभी। ओके, देखती रहे मेरा वीडियो। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ कैसे बनाता है ब्रेड मलाई एट होम। मैंने दूध लिया, यहाँ पर मैंने दूध लिया। दूध को अच्छे से मैं बॉईल दे रहा हूँ ताकि इसका अच्छा से थिकनेस बनाने के लिए। ब्रेड मलाई बनाने के लिए मैंने लिया है दूध, मेरे साथ है मिल्क मेड, इसको थिकनेस और स्वीटनेस देने के लिए और मिठास देने के लिए मैंने लिया है ब्रेड पीस। मेरे पास अभी इतने ही ब्रेड है, मैं इसी के साथ बना लूँगा। और मैंने लिया है कस्टर्ड, वैनिला कस्टर्ड पाउडर। सो शुरू करते हैं इसी बनाने में। अभी इसमें डालना है चीनी, मैंने 4 स्पून चीनी डाला है। अभी इसको अच्छे से स्टिर, इसमें मैं ऐड करूँगा चॉप्ड नट्स। अभी मैंने लिया है थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा ताकि लम्स ना पड़े। इसके बाद मैंने धीरे धीरे करके जो उमलता हुआ दूध है उसको अच्छे से पकाना है, नहीं तो फिर कस्टर्ड का जो लाइक थोड़ा सा स्मेल आ जाता है, कच्चा सा स्मेल आ जाता है, इसीलिए इसको अच्छे से पकाना पड़ेगा जब तक एक थिकनेस ना हो। बात करते करते मैंने जो मैंने बेस बनाया है दूध और ब्रेड का, वो तो क्लिक करने भूल दिया है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। जो भी है जैसे भी है वो मेरे सामने है। जैसे मैंने बनाया है फर्स्ट में दूध का बेस बनाया, ऊपर से रख दिया हुआ चॉप्ड ब्रेड और उसके ऊपर से रख दिया मैंने बचा हुआ दूध। इससे बन चुका है क्रीमी लजीज डिलीशियस ब्रेड मलाई। फाइनली मेरा मलाई, ब्रेड मलाई रेडी हो चुका है। इस प्रकार के है खाने में, देखने में तो इतना अच्छा लगता है, मॉइस्ट सॉफ्ट डिलीशियस, और फिर भी मैं टेस्ट करके बता दूंगा। इसीलिए मैंने लिया है प्लेट फॉर प्लेटिंग। सो गाइस, मैं अभी इसको प्लेटिंग कर रहा हूँ, देखते हैं इसका। और मैं ढाल सकूँगा इसके साथ ऐसे तो ये मेरा फाइनल लुक ब्रेड मलाई। तब तक के लिए बाय बाय, और मैं टेस्ट करूँगा आज के लिए, फिर आप लोग बना के भी खा सकेगा और टेस्ट करके हमको भी प्लीज शेयर करना। यम्मी, डिलीशियस, प्लीज ट्राई इट। एंड जब भी गेस्ट आता है घर में,
आप लोग इस डिश को बना के खिला सकेगा विद इन 10 मिनट्स। अब मैंने आपके साथ एक अच्छा सा रेसिपी शेयर किया है। अभी मैं थोड़ी सी आपके साथ में एक बाइट लेना चाहती हूँ। जब ये बाइट लिया था उसमें भरा हुआ है नट्स, सॉफ्ट मलाई विद ब्रेड, तो इसका तो बात ही अलग है। सो इसीलिए मैं आपको ये बोलूँगा, आप भी एक बार प्लीज़ ट्राई करिए, ट्राई करके बना के खाइए और उसका टेस्ट बताइए कमेंट पर।